अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब भाई हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि सब भाइयों के रिज़्क में, कारोबार में बरकत डाले और कामयाबी आपके कदम चूमे। दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा लोग मुस्तफ़ी हो। आज हम बात करेंगे, ये गाड़ी है एक्सियो, इसकी जो ये मेन पावर स्विच है इसकी जो पिछली शीशा है वो नीचे जाती है लेकिन ऊपर नहीं जाती, ठीक है। और यहाँ से ऊपर भी जाती है और नीचे भी, तो अक्सर ये मसला आ जाता है। तो हम इसका ये पता नहीं चलता कि यार इसके बटन में मसला है या वायरिंग के करंट में मसला है। तो आज हम इसको चेक करेंगे, स्कैनर से ऑपरेट करेंगे कि स्कैनर से ये किस तरह ऑपरेट होती है। अगर ये स्कैनर से चल गई तो ये समझ ले कि इसकी जो ये मेन बटन है इसमें मसला है, और अगर स्कैनर से नहीं ऑपरेट होती तो फिर इसके फ्यूज़ बक्से में या इसके जो वायरिंग है उसमें मसला है। तो इंशाल्लाह चेक करते हैं। ये इसको हमने स्कैनर लगाया है, इजी टेक का टेबलेट है ये। यहाँ से शुरू से आपको दिखाते हैं ताकि आपको फिर आसानी हो जाने में। टोयोटा स्क्रीन फुल प्रेशर सी दिकला साइड सी सोलह पिन एक्सियो विदाउट स्मार्ट की चाबी स्टार्ट है गाड़ी। ओके सिस्टम सिलेक्शन, बॉडी में जाएंगे, मेन बॉडी में कोड चेक करेंगे, पावर विंडो मास्टर इश्यू कम्युनिकेशन स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे भी ये मसला आ रहा है, ठीक है। चलो स्कैनर से हम चेक करेंगे कि आया ये बैग जाएंगे और बैग रियर एल मोटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, एक्टिवेशन टेस्ट में जाएंगे, पावर विंडो यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ पे मॉनिटरिंग डेटा नो मॉनिटरिंग डेटा में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम ये ऑप्शन इसके आ गए अप और डाउन, यहाँ से हम अप करते हैं, अप हो गई, डाउन करते हैं, ये डाउन हो गई शीशा पूरा, यहाँ से अप करते हैं शीशा अप हो गई, ठीक है। यहाँ से ऑपरेट हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि इसका जो पावर मेन पावर बटन है, जो मेन इसकी बटन है, या इसमें फर्क है और या इसके वायरिंग में। चलो मैं चेक करके बताता हूँ कि इसका क्या मसला है, लेकिन यहाँ से नीचे हो रही है लेकिन ऊपर नहीं जा रही, तो मैं चेक करा दूँ। यहाँ से ये ऑपरेट नहीं हो रही, तो इसका इस मेन स्विच में मसला है, बाकी शीशे काम कर रहे हैं, मेन आगे वाला भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन ये पीछे वाला नहीं कर रहा। तो इसका हम बटन खोल के चेक करते हैं, वायरिंग भी चेक करते हैं, कभी कभी ये भी हो सकता है कि
इसके इस मेन बटन से यहाँ तक जो इसकी वायरिंग जाती है, कभी कभी उसमें भी मसला आता है, लेकिन ज़्यादातर इसका ये मेन बटन ही ख़राब होता है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये स्कैनर से किस तरह ऑपरेट होती है, बहुत से भाइयों को पता नहीं होता। हाँ, जो उस्ताद बंदे हैं उनको तो पता होगा, वो तो वाकई उस्ताद लोग हैं, लेकिन जो नए हैं जो स्कैनर चलाना ज़्यादा नहीं जानते, तो ये वीडियो खासकर उसके लिए है। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हासिल हो तो हमें दुआ में याद रखिएगा और कोशिश करिए कि अपने काम में आपको अबूर और कामयाबी हासिल हो। ठीक हो गया, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, मेहरबानी। हमारे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।